हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्डेस में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं BNMU यानी कि भूपेन नारायण मंडल विश्वविद्यालय के बारे में। भूपेन नारायण मंडल विश्वविद्यालय में UG एडमिशन सेशन 2021-24 में आप लोगों का एडमिशन की जो फॉर्म है कब जारी की जाएगी इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों का एडमिशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में आप लोगों को इससे रिलेटेड जो आप लोगों को फीस कितनी लगने वाली है, तो फीस कितना लगेगा आप लोग को भी आप लोग बताएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप लोग को इसी तरह के अपडेटेड न्यूज प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जाकर आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आने से पहले आप लोग सारी जानकारी वहाँ मिल जाती है, तो जाकर आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते। चलिए हम आगे बताते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, ये पेपर का कटिंग है और यहां पर दिया गया है डिग्री पार्ट वन में नामांकन के लिए छात्रों को भी करना होगा इंतजार, यानी कि आप लोगों को कब तक फॉर्म आएगा एडमिशन प्रक्रिया की। तो इन सभी के बारे में बात करने वाले, सबसे पहले तो आप लोग यहां देख सकते हैं, यहां दिया गया है कि BNMU यानी कि BN मंडल विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट वन में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। इसके कारण छात्राएं को सत्र विलम्ब होने का डर सताने लगा। मंगलवार को यहाँ पर दिया गया कि आप लोगों का जो BNMU की बात करें तो BNMU यूनिवर्सिटी में 2021-24 सेशन वाले कैंडिडेट के एडमिशन फॉर्म भराने के में बहुत देरी हो रही है, जिसके वजह से नामांकन प्रक्रिया होने में बहुत देरी हो रही है, जिसके वजह से जो सेशन हो लेट हो रही है। तो सबसे पहले आप लोग बता दें कि आप लोगों का इसमें बैठक हुई थी, इसमें बैठक में ये आप लोग बता दें कि इसमें बैठक में अभी तक कोई भी प्रक्रिया नहीं निकली, नतीजा नहीं निकला है कि आप लोगों का फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा। तो आप लोगों को ये बता दें कि यहाँ पर दिया गया स्नातक पार्ट वन 2021-24 में नामांकन के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में अभी समय लगेगा, यानी कि आप लोगों को बता दें सितंबर के लास्ट या अक्टूबर तक में आप लोगों का जो एडमिशन फॉर्म है वो जारी की जाएगी। इससे पहले आप लोगों को एडमिशन फॉर्म जारी नहीं की जाएगी। आप लोगों को हम डेट बता दिए एक्सपेक्टेड डेट कि आप लोग कब जारी की जा सकती है, सितंबर के लास्ट वीक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक, इन दोनों के बीच आप लोगों को कभी भी जारी कर दी जाएगी एडमिशन फॉर्म, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथ ही आप लोग इस चैनल के माध्यम से जब जारी की जाएगी तो बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, दिया गया है कि सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन नहीं होने की स्थिति में ऑफलाइन नामांकन पर भी विचार विमर्श कर रहा था। आप लोग बता दें कि आप लोग को ऑनलाइन और ऑफलाइन, या तो ऑनलाइन एडमिशन होगी या फिर ऑफलाइन एडमिशन होगी, इन दोनों पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं निकली है। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन होने की स्थिति में नैक मूल्यांकन पर असर पड़ सकता है, ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ऑफलाइन माध्यम से इस बार नामांकन नहीं लेगा। यानी कि आप लोग बता दें कि जो जिनका बैठक हुआ था तो बहुत सारे अधिकारी बोल रहे थे कि ऑफलाइन होना चाहिए एडमिशन और बहुत सारे ऑनलाइन, जिसके वजह से इस पर कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं दूसरी ओर सभी छात्र संगठन भी ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन लेने की मांग कर रहे हैं, और आप लोग बता दें कि सभी कैंडिडेट जो छात्र हैं वो ऑनलाइन लेने के लिए ही बात कर रहे हैं एडमिशन प्रक्रिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट की बात करें तो 27 मार्च 2021 को जारी किया गया था, और वहीं बात करें आप लोगों को CBSE का रिजल्ट, तो CBSE का रिजल्ट भी एक महीना पहले आप लोगों को जारी ही कर दिया गया, फिर भी अभी तक आप लोग बता दें कि इस पर नामांकन प्रक्रिया BNMU यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर नामांकन प्रक्रिया नहीं ली जा रही। वहीं बात करें इसकी सीटों की संख्या की बात करें BNMU यूनिवर्सिटी में, तो BNMU यूनिवर्सिटी में करीब 61,000 सीटों पर स्नातक पार्ट वन में नामांकन होना है, यानी 61,000 सीट है इस पर आप लोगों का नामांकन होगा। इसके लिए पहले आवेदन लिया जाएगा, आवेदन के बाद चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा, लेकिन अभी तक आप लोग को बता दें कि अभी तक इसका आवेदन प्रक्रिया कब होगी इसके भी कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं बात करें इसकी फीस की, यानी आवेदन प्रक्रिया जब कीजिएगा तो आप लोग को कितना फीस लगेगा एडमिशन फॉर्म भरते समय, तो आप लोग यहाँ दिया गया 150 रुपये प्रति छात्र आवेदन शुल्क पर हो रहा है विचार। आप लोग बता दें कि यूनिवर्सिटी द्वारा कहा जा रहा है कि 300 रुपये कम से कम देना होंगे, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 150 रुपये पर ही बात चल रही है, 150 रुपये पर हो जाती है तो इस पर प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया UMIS को कामकाज देख रही है कंपनी, 300 रुपये से कम वेतन आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है UMIS को द्वारा कहा जा रहा है कि 300 रुपये से कम आवेदन फीस नहीं लिया जाएगा। वही आप लोग को बता दें, वहीं यूनिवर्सिटी द्वारा कहा जा रहा है कि 150 रुपया से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो इस पर बात चल रही है। उसके बाद आप लोग देखिए क्या नतीजा निकलता है, कितना फीस लगता है, इस पर आप लोग हम आगे अगर इस पर कोई भी अपडेट आती है तो आप लोग बता देंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई भी अपडेट आएगा आप लोग पता चल जाएगा। और इससे रिलेटेड और भी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग की वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग हमने बता दिया, डेट भी बता दिया, कितना फीस लगने वाला है, सीटों की संख्या भी बता दी इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।